हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आप लोग को हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से आप लोग के लिए क्लास 12 का एक बैच स्टार्ट करने वाला हूँ। मेरा नाम एसी वर्मा है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हिट द बेल आइकन बटन फॉर द नेक्स्ट वीडियो अपडेट। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको ले चलता हूँ, जो कि आज से मैंने सीरीज स्टार्ट की है क्लास 12 के लिए। तो केमिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 2 है, पार्ट 1 है, व्हाट इज़ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन चैप्टर है जो कि हमारे क्लास 12th का सेकंड चैप्टर है। इसे जानने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे सॉल्यूशन को पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे हमारे इंडिया में जो ब्रास होते हैं, सपोज ये ब्रास जो होता है कापर एंड जिंक का मिक्सचर होता है, ठीक है। एक्चुअल में हमारे जो डेली लाइफ में जो भी चीज़ें यूज़ होने वाली है वो कोई भी प्योर सब्सटेंस से बनी हुई नहीं है, कभी ना किसी चीज़ों से मिक्सचर से बनी हुई है। जैसे कापर हो गया, ब्रास और जिंक से बना हुआ है। अब जर्मनी सिल्वर ले लीजिए, जर्मनी सिल्वर जो लेंगे तो वो कापर एंड जिंक एंड निकिल, इसमें तीनों चीज़ मिक्सचर होता है। देखिए कापर जिंक निकिल, तो ठीक है। ये सबको जानने के लिए कैसे हमें पता चला, ये सॉल्यूशन चैप्टर से पता चला। जैसे हमारे दांत कभी कभी छोटे बच्चों को देखते होंगे कि सड़ने लगते हैं, ये कैसे सड़ने लगते हैं, क्या उसने फ्लोराइड आयन होता है जो कि हमारे टीथ जैसे माउथ में वो आयन्स के फॉर्म में सॉल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये कैसे पता चला, सॉल्यूशन चैप्टर से पता चला, ठीक है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं, व्हाट इज सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर टू आर मोर देन टू कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट एंड इट्स कंपोजिशन, इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सॉल्यूशन। घबराना नहीं है, आपको एक एक टॉपिक छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो पहला मैंने सॉल्यूशन बताया, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जो कि दो या दो से अधिक कंपोनेंट से मिक्स होता है। एक इसमें खास बात ये होती है कि उसका कंपोजिशन जो होता है वो मिक्सचर्स जो होते हैं उनकी यूनिफॉर्म होती है, पूरा नहीं, एक बराबर उनमें कोई चेंजेस नहीं आती है। अब ये सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, तीन टाइप, चार टाइप भी होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट प्रेजेंट है तो उसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। अब ये बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, अगर दो कंपोनेंट से मिलकर जो सॉल्यूशन बनाता है उसे बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। इफ द सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। वैसे ही टर्शियरी सॉल्यूशन होता है अगर तीन कंपोनेंट से मिलकर बना होता हो, उसी तरह क्वार्टनरी सॉल्यूशन होता है अगर ऐसे ये बाइनरी सॉल्यूशन हो गया, टर्शियरी सॉल्यूशन क्या तीन कंपोनेंट से मिलकर बना हो, क्वार्टनरी सॉल्यूशन क्या जिसमें चार कंपोनेंट से मिलकर बना हो। लेकिन इस चैप्टर में हमें केवल बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट से बना हो, उस दो कंपोनेंट का दो नाम होते हैं, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, जो कि इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए। चलिए चलते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर, चलते हैं आगे। मैं ये पहुंचा था बाइनरी सॉल्यूशन का, ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। ये बाइनरी सॉल्यूशन मतलब कि दो कंपोनेंट से मिलकर बना हो, वो दो कंपोनेंट का नाम क्या क्या होता है, एक का नाम होता है सॉल्यूट और एक का नाम होता है सॉल्वेंट। और व्हाट इज सॉल्यूट और व्हाट इज सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट
द कंपोनेंट प्रेजेंट इन ए स्मॉल क्वांटिटी इन ए सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्यूट। वह कंपोनेंट जो कि सॉल्यूशन में बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट हो, जैसे द कंपोनेंट प्रेजेंट इन ए स्मॉल क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या होता है? जो कंपोनेंट लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। सॉल्वेंट द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट। और एक चीज इसमें बात देने वाली, एक चीज जो इसमें बात है जो कि बहुत ध्यान देने वाली है, सॉल्वेंट डिसाइड द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन। वो कौन सी भौतिक अवस्था या कौन सी फिजिकल स्टेट में सॉल्यूशन है वो कौन सा डिसाइड करता है? सॉल्वेंट डिसाइड करता है। हैशटैग मार के लिख लीजिए क्वेश्चन का, सॉल्वेंट डिसाइडेड द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। तो एक चीज, एक एग्जांपल ले लीजिए, ये मान लीजिए एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर में ये पानी लिए है, क्या लिए है? वाटर लिए है, ठीक है, जो लार्जर अमाउंट में। अब थोड़ा सा इसमें चीनी डाल लीजिए, दैट मीन शुगर। तो शुगर क्या हुआ और वाटर क्या हुआ? वाटर ज्यादा अमाउंट में वो हो जाएगा सॉल्वेंट, और शुगर क्या है वो सॉल्यूट हो जाएगा। तो ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसी तरह आप लोग के लिए छोटे छोटे वीडियो लेते आएंगे, लेकर आएंगे हम, और ताकि आप लोग का कंसेप्ट क्लियर होते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड स्टे एट होम और वायरस से बचिए। मिलते हैं, गुड बाय।